हम लोग बात कर रहे थे फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स की यदि हम लोग बात करें तो फ्लावर्स के जो है फीमेल पार्ट को जो है कार्पल्स बोल दिया जाता है। फ्लावर्स के फीमेल पार्ट को जो है कार्पल्स बोल दिया जाता है। कार्पल्स के नीचे जो है एक स्वेलेन इंड होगा, उस स्वेलेन इंड को जो है ओवरी बोल दिया जाता है। कार्पल्स की निचली स्वेलेन इंड को जो है ओवरी बोल दिया जाता है। ओवरी में मेनी ओव्यूल्स प्रजेंट होंगे, ओवरी के अंदर मेनी ओव्यूल्स प्रजेंट होंगे। ऊपरी सतह जो होगा, ओवरी की ऊपरी सतह होगा, उस ऊपरी सतह को जो है ओवरी वाल बोल दिया जाता है। ओवरी की ऊपरी सतह की बाहरी आवरण को जो है ओवरी वाल बोल दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओवरी जो है कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट्स में, ओवरी जो है कन्वर्ट्स हो जाते हैं फ्रूट्स में, ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में। और जो ओवरी वाल है, ओवरी के बाहरी आवरण जो है ओवरी वाल है, ओवरी वाल कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट्स वाल में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी ओवरी के अंदर मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यह मेनी ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे सीड्स में, यह ओवरी कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रूट्स में, और यह ओवरी वाल जो है ओवरी वाल कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रूट वाल में। यह फ्रूट वाल को जो है पेरिकार्प बोल दिया जाता है, फ्रूट वाल को जो है पेरिकार्प बोल दिया जाता है, ठीक है। ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे सीड्स में, यानी कि सीड्स जो है कवर्ड होंगे फ्रूट से। तो यदि हम लोग बात करें कि फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सीड्स प्रेजेंट होंगे। फ्रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सीड्स प्रेजेंट होंगे। तो सीड जो है कवर्ड होंगे फ्रूट वाल से, इट मीन्स यह एनजीओ होंगे, इट मीन्स यह एनजीओ होंगे। एनजीओ का मतलब होता है कवर्ड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। यानी बोटनी में आपको जहाँ कहीं भी स्पर्मा टर्म्स दिखे, स्पर्मा टर्म्स का मतलब होगा सीड से लिया जाता है, स्पर्मा टर्म का मतलब जो है सीड से लिया जाता है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे सीड जो है कवर्ड होंगे फ्रूट बाल से, इट मीन्स जो है यह एनजीओ स्पर्म्स का फीचर होंगे। यानी एनजीओ स्पर्म में जो है सीड कवर्ड होंगे फ्रूट बाल से। यदि हम लोग जिम्नो स्पर्म की बात करें तो जिम्नो स्पर्म में जो है सीड कवर्ड नहीं होंगे फ्रूट बाल से, यानी सीड जो है फ्रूट बाल से कवर्ड नहीं होंगे, या इट मीन्स हम यह नेक्ड होंगे, इट मीन्स यह नेक्ड होंगे। तो यदि जिम्नोस्पर्म की हम लोग बात करें तो जिम्नोस्पर्म में यदि हम पाइनस वगैरह की बात करें तो पाइनस वगैरह में जो है कॉन्स का फॉर्मेशन होता है, पाइनस वगैरह में जो है कॉन्स का फॉर्मेशन होता है। कॉन्स में जो है मेगा स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे, मेगा स्पोरोफिल्स जो है सीड का फॉर्मेशन करते हैं, मेगा स्पोरोफिल्स जो है सीड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यह सीड्स जो है फ्रूट बाल से कवर्ड नहीं होंगे, इट मीन्स जिम्नो होंगे, इट मीन्स नेक्ड होंगे। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स, इट मीन्स नेक्ड सीड होंगे, तो इसे हम जिम्नो स्पर्म बोलेंगे, इसे हम जिम्नो स्पर्म बोलेंगे। हम लोग बात कर रहे थे स्पर्मा का मतलब लिया जाता है सीड से, तो हम कह सकते हैं कि सीडेड प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोफाइट, सीडेड प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटो का मतलब होता है सीड, स्पर्मेटो का मतलब होता है सीड, फाइट का मतलब होता है प्लांट, फाइट का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। तो ऐसा प्लांट जिसमें सीड का फॉर्मेशन हो, ऐसी प्लांट्स जिसमें सीड का फॉर्मेशन हो उसे हम स्पर्मेटोफाइट बोलेंगे। या तो सीड का फॉर्मेशन एनजीओ स्पर्म्स में होंगे या तो जिम्नो स्पर्म्स में होंगे, सीड का फॉर्मेशन या तो एनजीओ स्पर्म में होंगे या तो जिम्नो स्पर्म में होंगे। एनजीओ स्पर्म में सीड का फॉर्मेशन होगा तो यह सीड जो है फ्रूट वाल से कवर्ड होंगे, जिम्नो स्पर्म में सीड का फॉर्मेशन होगा तो यह सीड जो है फ्रूट वाल से कवर्ड नहीं होंगे, इट मीन्स इसका सीड जो है नेक्ड होगा, इसका सीड जो है नेक्ड होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स जो है ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स का फीचर है, फ्रूट्स जो है ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होते हैं। तो हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होंगे, फ्लावर्स होंगे। तो फ्लावर्स है तो कार्पल्स है, कार्पल्स है तो ओवरी है, ओवरी है तो फ्रूट है, फ्रूट है तो उसमें सीड्स प्रेजेंट होंगे। तो सीड्स जो है फ्रूट वाल से कवर्ड होंगे, इट मीन्स एनजीओ स्पर्म होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज एनजीओ स्पर्म्स, यानी फ्रूट जो है फ्रूट का बनना ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स की फीचर है। तो हम कह सकते हैं कि सीड जो कवर्ड है फ्रूट वाल से वह एनजीओ स्पर्म होंगे, तो फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज एनजीओ स्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज एनजीओ स्पर्म।